10.2 ohm. पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है tulki.h। तो इसका एक लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करना है जो कि आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, या फिर आप यहीं से भी इसी सॉफ्टवेयर से भी आप वो फाइल डाउनलोड। स्केच पर लिखा हुआ है इंक्लूड लाइब्रेरी, और उसके बाद जाना है आपको मैनेज लाइब्रेरी, एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर सर्च ऑप्शन है जहाँ पर आपको सर्च करना है वही जो मैंने आपको बताया tulki.h। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मुझे दिखा रहा है इंस्टॉल। तो आपको जाना है यहाँ पर और एक न्यू टैब ओपन करना है, ओके। और न्यू टैब पर यहाँ पर इसका एक नेम देना है cu, और उसके बाद स्मॉल tils.cpp, इस तरह का एक फाइल बनाकर आपको पहले सेव कर लेना है। तो ये हो गया एक। उसके बाद आपको उस तरह एक दूसरा न्यू टैब लेना है और यहाँ पर आपको वही नेम पर और एक फाइल बनाना है adcu, और इसे आपको सेव करना होगा .h पर, ओके। तो ये दो फाइल आपको बनाना है और इन दोनों फाइल में दो तरह का आपको कोडिंग मिलेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। तो दो तरह का आपको कोड मिलेगा और दो तरह का कोड को यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन प्रोग्रामिंग, और इसका जो सपोर्ट फाइल है ये इसका एक सपोर्ट फाइल, और यह है इसका दूसरा सपोर्ट फाइल जो कि इन दोनों फाइल के बिना ये काम नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर हम ऑडियो एम्पलीफायर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो ऑडियो है यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो सफिशिएंट नहीं होगा एक स्पीकर के जरिए आवाज़ बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं एम्पलीफायर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो आवाज़ यहाँ से निकले ऑडियो से वो एम्पलीफाई होकर आपको ज़ोर से सुनाई दे। दोस्तों हमें इस एम्पलीफायर को 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देना है, तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई ना यूज़ करके जो ऑडियो का जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई है, ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं 5 वोल्ट पॉजिटिव और ग्राउंड। अभी यहाँ पर जो ऑडियो आउटपुट होगा वो होगा आपका D3 पर, तो जो डिजिटल 3 है वहाँ पर हमें ऑडियो पिन को कनेक्ट करना है। सिग्नल दे रखा है R पर, तो R वाला साइड पर मुझे इसे कनेक्शन करना है, तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव। टेस्टिंग के लिए हमें यहाँ से दो टर्मिनल निकालना है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक A0 से, तो A0 से पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है उसे हमें लेना है ग्राउंड टर्मिनल से। एक एलईडी का इस्तेमाल करेंगे, तो इस एलईडी को ये जो ऑडियो ना बोर्ड है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव हमें कनेक्शन करना है। प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तभी बारी थी इसको टेस्ट करने का। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसका पावर ऑन कर लेता हूँ, तो ये इसका पावर ऑन हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस ले रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पर चेक करूँगा और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो अगर मैं इन दोनों टर्मिनल को टच करता हूँ तो देखते हैं क्या बोलता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है 3.2 ohm, यानी कि इस कंडक्टर जो है जो ओयर हमने इस्तेमाल किया है इसके अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस होता है। मैं यहाँ पर एक 470 ohm का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, तो देखते हैं ये मशीन क्या बोलता है, कितना ohms का ये 468 ohm। तो यहाँ पर ये बोल रहा है 468 ohms का रेजिस्टेंस है। तो भाई रेजिस्टेंस जो है थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, तो फिर भी ये सही आ रहा है। तो अभी हम एक 10 ohms का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, देखते हैं कितना बताता है। 10.2 ohm,
तो इसको बोल रहा है 10.2 ओम, थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है इसको। और अभी हम लेते हैं एक 220 ओम्स का रेजिस्टेंस, तो ये बोल रहा है 219 ओम्स का ही है, तो वही सही है। क्योंकि दोस्तों कोई भी रेजिस्टेंस उसका पर्टिकुलर वैल्यू में नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। 1001 ओम। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस मीटर को बना करके काफ़ी सारे रेजिस्टेंस को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो।